कल आप लोगों ने समन्स को पढ़ा, कल हमने ये डिस्कस किया था जब चैप्टर 6 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 6 कौन किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है? चैप्टर 6 61 से लेके 90 तक का है, ये कल मैं पढ़ा चुका हूँ। मेरी एक आदत है, मैं पिछले और सारे टीचर्स की होती है कि उसे पीछे थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, कल जो कुछ भी पढ़ाया है उसे कनेक्ट करना चाहिए। कि देयर आर फोर प्रोसेसेस टू कंपेल ए पर्सन फॉर अपीयरेंस, एक व्यक्ति को उपस्थित कराने की आदेशिकाएं हैं, वो चार आदेशिकाएं हैं और ये सारी आदेशिकाएं दे रखी हैं चैप्टर 6 में। तो कल हमने एक आदेशिका पढ़ी थी, ये पढ़ी थी समन। समन के संबंध में जो प्रोविजन दे रखे हैं वो 61 से लेके 69 तक दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्या लिखा है? टाइम इज लाइफ, लाइफ कुछ और नहीं, टाइम ही है। कहते ना लोग, समय आ गया, लाइफ गई, अरे यार क्या करें, इनका तो समय आ गया था, इसका मतलब लाइफ गई। और मैं लिखता हूँ डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं डोंट वेस्ट योर लाइफ। कितने सारे और सारे लाइफ को कौन वेस्ट कर रहे हैं सिवाय युवा के अलावा? कोई नहीं। मुझे नहीं पता आपने कल 60 से लेके 69 तक कितने लोगों ने पढ़ा और कितने बार पढ़ा। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, सुजान माने बुद्धिमान। जो जड़मत है ना, जिसे जड़ बुद्धि कहा गया, वो भी बुद्धिमान हो सकता है, वो भी सिलेक्शन पा सकता है। तो समन दे रखे हैं 61 से लेके 69 तक, इसमें सब कुछ बताया हुआ है, क्या प्ररूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सर्विस कराता है, यदि कब सर्विस मान ली जाती है, कब सर्विस नहीं मानी जाती है, ये सब बात है दी हुई। ये सारी की सारी बातें इस में दी हुई है। अब दूसरी प्रोसेस के संबंध में चलते हैं। दूसरी प्रोसेस थी वारंट। वारंट शब्द को, वैसे वारंट शब्द इंग्लिश का है और इसे अधिपत्र भी बोलते हैं, कम लोग ही जानते हैं अधिपत्र, अधिपत्र भी बोलते हैं वारंट को। इसका मैंने बताया था कि समन को कहा हमने बुलावा, क्या कहा? बुलावा। और इसको हमने कहा ऑर्डर, आदेश, ऑर्डर या आदेश। पहली बात तो ये आती है कि आदेश किसको दिया जाता है। देखो कल जैसे समन पढ़ रहे थे, समन और वारंट में क्या अंतर है? समन तो जिस आदमी को बुलाना है उसी को भेज दो। क्या कभी कभी दूसरों को भी दिया जाता है? हाँ, जैसे सर्विस करानी है तो दूसरों को दे देते हैं। जैसे कल आपने पढ़ा था किसी ऑफिस में कोई आदमी काम करता है तो उसके बाबू को दे दी, वो उसके हेड को दे दिया। मान लो बाबू में तामील होनी है तो हेड को दे दिया, हेड उसमें तामील कराकर वापस आ जाए, ठीक है ना? तो ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन अधिपत्र के संबंध में, वारंट के संबंध में, वारंट प्रोड्यूस क्या है? ये ऑर्डर टू प्रोड्यूस, ऑर्डर टू प्रोड्यूस उपस्थित कराने का आदेश है। ये आदमी आ नहीं रहा है, इसको लेकर आओ। तो लेकर आओ, तो लेकर आने के लिए देश में सबसे अच्छी व्यवस्था क्या है? निश्चित रूप से पुलिस, पुलिस बल का भी प्रयोग कर सकती है, पुलिस को ही उसे लेके आना चाहिए, तो पुलिस को निर्देशित हो सकता है। लेकिन मान लो पुलिस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एनी पर्सन, कल मैंने आपको ये कहानी ब्रीफ में बताई थी कि सीबीआई के एसपी को कहा कि जयपुर में ही, कि जयपुर के एसपी को और एडीएम को अरेस्ट करके लाओ। उसने मना किया तो उसने कहा सीआरपीसी में दिया हुआ कोर्ट जिसे भी आदेश देगी, मतलब किसी सामान्य व्यक्ति को भी यह आदेश दिया जा सकता है। अब वारंट के संबंध में जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो सेक्शन 70 से 81 तक दिए हुए हैं। कहां तक दिए हुए हैं? 70 से 81 तक। आपको बोर्ड को इतने गौर से देखना चाहिए, हर हाल में आपको संकल्प होना चाहिए कि जो कुछ भी सर इस पर लिख रहे हैं मैं यहीं इसी वक्त सबको याद कर लूंगा, कर लूंगी, घर के लिए नहीं छोड़ूंगा, यहीं इसी वक्त जो कुछ भी सर लिख रहे हैं।
बोर्ड पे जो लिखा जाएगा मेरे से ऐसा होगा नहीं कि मैं उसे याद ना कर पाऊं, हर हाल में मैं उसे याद कर लूं। आप देखोगे कि सारा लगभग आपको यही याद हो जाएगा ये, लेकिन आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए और आपका संकल्प प्रगाढ़ है तो ये मानिए कि फिर बहुत आसान है, एक बार देखोगे पूरा बोर्ड याद हो जाएगा। तो कहां तक दिया हुआ है, 70 से लेके 81 तक, कितने आर्टिकल हुए, सॉरी सेक्शन हुए, 12। हाँ 70 भी इंक्लूड है तो कितने हुए, 12 सेक्शन। और संबंध में कितने थे, 61 से लेके 69 तक, 9। तो ये 12 सेक्शन, कितने सेक्शन, 12 सेक्शंस में वारंट के बारे में सब कुछ बता दिया। रोजाना सुनते आए हो वारंट क्या होता है, वारंट के संबंध में जो वारंट निकालता है ना उसी को रद्द करना होता है, जो वारंट निकालता है उसी को रद्द करना होता है। एक बार निकाल दिया तो कंटिन्यू रहेगा, तभी जिस कोर्ट ने जारी किया है उसी कोर्ट में जाके समाप्त होगा। हाँ जितनी भी अपेक्स कोर्ट्स हैं, एक के ऊपर वो एक जो भी कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो कोर्ट अपने नीचे के आदेशों को रद्द कर सकती हैं, एक तरह से न्यायालय ही कर रहा है, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं सेक्शन 70 से। मैं सेक्शन 70 सबसे पहले है फॉर्म ऑफ वारंट, देख लीजिए अपना बेर एक्ट भी निकालते चलिए। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन, तो सर ये क्या मिसाइल की तरह काम करता है, जब तक भेद नहीं देता उसको तब तक नहीं रुकता है। एक बार जारी हो गया तो वही न्यायालय करेगा, नहीं तो वारंट स्टैंडिंग रहता है, खड़ा रहता है, क्या रहता है, खड़ा रहता है। सबसे पहले लिखा है कि एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इश्यूड बाय द कोर्ट अंडर दिस कोड एंड शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। ये सब बातें समन में भी थी, पहली बात कही इसने, अब वहां भी आपने पढ़ा था, उसमें समन में भी थी ये बात, जब आप प्रारूप पढ़ रहे थे 61 में तो वहां भी थी, लेकिन इसमें पता है कोई एक डिफरेंट बात है, वहां पे प्रिसाइडिंग अफसर के अलावा अदर पर्सन हु इज डेजिग्नेटेड फॉर इट बाय हाई कोर्ट कैन साइन द समन ऑन बिहाफ ऑफ दैट कोर्ट, न्यायालय के उस न्यायालय के बिहाफ पर अन्य व्यक्ति भी उसको हस्ताक्षरित कर सकता था जिसे न्यायालय ने इस काम के लिए रखा है, न्यायालय ने जिसे इस काम के लिए रखा हुआ है। यहां पे प्रिसाइडिंग अफसर है, कौन है यहाँ पे, प्रिसाइडिंग अफसर। दूसरा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका नंबर ही आप याद रखिए 72। वारंट तब तक प्रवर्तन या एनफोर्समेंट, 72 को कोर्ट में सामान्य से सामान्य एडवोकेट भी जानता है या 72 की एप्लीकेशन लगाई है। कभी कभी देखा है ना आदमी टाइम पर नहीं जाता, बेल जंप हो जाती है, कुछ हो जाती है, वारंट इश्यू हो जाता है, तो फिर उसी कोर्ट में 72 की एप्लीकेशन लगानी होती है कि सब रद्द कर दो इसको, या जब तक निष्पादित न कर दिया गया हो। वारंट शैल बी रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय कोर्ट, या तो रद्द नहीं कर दिया है और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, जैसे किसी को अरेस्ट करने का वारंट निकाला गया तो या तो हम अरेस्ट कर लाए उसको तो भी वारंट खत्म, या उस कोर्ट से कहा कि साहब हमें तो सरेंडर हो गया इसे कैंसिल कर दो, तो कोर्ट कैंसिल कर देती है। 70 में बताई हुई सब दोनों बातें याद है सबको, क्या लिखा है कि वारंट शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वारंट उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, हस्ताक्षर होते हैं तो ध्यान रखिए सील भी लगेगी, हस्ताक्षरित साइंड और सील्ड। दूसरी, तब तक बना रहेगा जब तक इसे रद्द नहीं कर दिया जाए जिस कोर्ट ने जारी किया, शैल बी इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसल्ड बाई द सेम कोर्ट और इट इज एग्जीक्यूटेड, याद हो क्या,